अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे हमारी मस्तूज में कैंपिंग, जो हम लोग कुछ लोकल लोगों के साथ में कर रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, इन लोगों ने हमें ये जगह भी प्रोवाइड की। बहुत प्यारा सा ये गार्डन है, आप देख सकते हैं, और मौसम भी यहाँ का बहुत प्यारा था। और यहाँ पर इन लोगों ने हमारी काफ़ी अच्छे से मेहमान नवाजी भी की, किसी चीज़ की तंगी नहीं आनी थी। बहुत ही अच्छे लोग आए यहाँ के। अगर आप लोग भी यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, आप बिना झिझक यहाँ पे आ सकते हैं। और आप लोगों को ये जगह कैसी लगी, आप लोगों का कमेंट में जरूर इंतजार रहेगा। तो चलिए अभी कुछ यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह सुबह अगली मंजिल की तरफ चलेंगे। बहरहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा इंजॉय किया हम लोगों। और जो सबसे खास बात थी वो इस जगह की, इस जगह का वेदर था, बहुत ही प्यारा था यहाँ का वेदर। जी मोहन भाई क्या बन रहा है? ये दमबुक बन रहा है, जंगली दमबुक। जंगली दमबुक की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है मसाले की, अब देखते हैं। बड़ा जी उसे बस्कर जी कहते हैं। बस्कर 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 रास्ता है बस्कर, वो लक्ष्मी बस्कर है। लक्ष्मी कुछ सवाल नहीं है, ट्राउट ज्यादा होते हैं। हां ट्राउट भी होते हैं, वो नहीं है सवाल। सवाल जितना जो मुश्किल होती है ऐसा सवाल जी। एक तरफ जंगली दमबुक बन रहा हो और दूसरी तरफ इतनी प्यारी सी हवा चल रही हो और साथ में इतने खूबसूरत नजारे हो, तो इसकी क्या ही बात है। इस जैसी फीलिंग्स आप कहीं भी नहीं ले सकते हो। हाँ भी शहजादे क्या कर रहे हो? सर मैं चावल पका रहा हूँ। कौन से चावल पका रहे हो? नमकीन चावल बना रहे हैं। मजा आ रहा है इधर आके, क्या बात, एंजॉय कर रहे हो? बहुत प्यारा मौसम है बहुत। ये क्या कर रहे हो यार? ये तो शीशा पी रहे हो यहाँ पे बैठ के? ये तो जाती है अकेले के लिए शीशा पीने जा रहे हो? शीशा तो बंदा किसी को कुछ पूछ रहा है, बनवाया तो मैंने पी लिया। अच्छा मजा आ रहा है शीशा पीने का? कौन सा फ्लेवर लगाया भाई ने? कौन सा फ्लेवर लगाया शीशे में? जी शीशे में फ्लेवर लगाया पान मिंट, बहुत जबरदस्त फ्लेवर है पान मिंट। नहीं इस वेदर को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? जबरदस्त वेदर के हिसाब से फ्लेवर लगाया गया है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। जबरदस्त क्यों मौसम भाई, क्या फुल एंजॉय कर रहे हैं? क्या जज्बात है? आज से पहले पहाड़ों में बड़ी कैंपिंग की है, बड़ा कुछ किया है, लेकिन ये जो सा माहौल है इसको पहली बार एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं अखीर किस्म का, आज से पहले इस टूर से पहले इस तरह की कैंपिंग, इस किस्म की कैंपिंग एंजॉय नहीं की। शिकारों पे भी गए हैं, अपने बाइक का टूर भी किया है, लेकिन जो ये माहौल है क्या बात, जबरदस्त अल्लाह मियां को जो ना हमें तर्स भी आ गया। और देखे कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितना प्यारा वेदर हुआ इस टाइम के, आपको ये आपको ऐसे कैमरे में नहीं बता सकते। और फिर हम लोगों ने अपने दमबुक को आग पे चढ़ाया और यहाँ सब बैठ के मौसम को और शीशा को एंजॉय करने लगे। बड़ी मुश्किल से मुंबई का रोक के रखा जी जी। अब मुंबई के ऊपर से इसकी जो खलड़ी है वो खलड़ी उतार रहे हैं जी। मुंबई दिखाइएगा इसमें से क्या निकलता है आज, इस पुटारी में से क्या निकलेगा सब पूछे भाई। कुछ चिकन निकलेगा तो कुछ मटन निकलेगा, बीफ निकलेगा, चिकन निकलेगा, सांप निकलेगा, दुम पख्त निकलेगा, क्या निकलेगा भाई? श्री वाले बाबू इसमें से क्या निकलेगा?
चूड़ी वाले बाबू चेक करना पड़ेगा क्या निकलेगा। इसको खोले, हम देखना चाहते हैं इसमें से कौन सी पटोरी में से, इस पटोरी में से क्या निकलेगा, इस पटोरी में से निकलेगा आज, आज निकलेगा लो, नहीं क्या निकलेगा। चलो चलो भाई साहब, खोता छोता तो नहीं डब लिया दी थी। ये चीज माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी ये देखे भाई तुम्हारे क्या है, भूख हमारा खुल गया है, फिलहाल इसको खाएंगे, मजे उड़ाएंगे। तो फिर हम सब दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सब लोग सो गए। और फिर सुबह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, हमारे उठने से पहले ही हमारे इस भाई ने जो है ना हमारे लिए सारे नाश्ते का इंतजाम कर दिया था, चाय पराठे अंडे सब कुछ ही आप देख सकते हैं। और ये हमारा भाई था जिसने हमारी मेहमान नवाजी की। यहाँ पे हम रात को मस्तूज में रुके थे क्योंकि आगे ब्रुगल का रास्ता बंद है, उधर काफ़ी ज़्यादा शराब आया हुआ है तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, इस वजह से जो है ना हम लोग जो है ना मस्तूज में रात भी कैंपिंग की थी। बहुत अच्छी जगह मिल गई, यहाँ के कुछ भाई थे, उन्होंने बोला है जी हम आपको कैंपिंग करवाते हैं, और वाकई उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना। और ब्रुगल का रास्ता बंद होने की वजह से जा रहे हैं हम आगे लाजपुर, जिसने हमें यहाँ पे कैंपिंग कराई थी उसी भाई ने बोला कि चले आगे लाजपुर एक गाँव है, बहुत प्यारा सा गांव है, वहाँ पे हम आपको कैंपिंग करवाते हैं, चले अभी वहाँ चलते हैं। और आप लोग देखिए यहाँ के कुछ खूबसूरत ड्रोन से शॉट, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।